मुंह पर होने वाले छाले और जलन दूर भगाए, चुटकियों में असर दिखाए। नमस्कार। अक्सर दोस्तों ज्यादा गर्म चीजें खाने से या शरीर में गर्मी बढ़ने पर हमारे होंठों पर और जीभ में छाले पड़ने लगते हैं, जिनसे होने वाली जलन और चुभन इतनी तेज होती है कि दिन भर परेशान तो करती है, साथ ही साथ हम सही ढंग से कुछ खा भी नहीं पाते और कई बार तो ये हफ्ते से लेकर 15-15 दिन तक हमारे मुंह पर बने रहते हैं। दोस्तों छाले बनने के कई कारण है, पेट खराब होने से लेकर हार्मोनल संतुलन बिगड़ने और ज्यादा गर्म खाने से हमारे मुंह पर छाले हो जाते हैं, और ज्यादा समय तक अगर ये छाले ठीक नहीं होते तो कैंसर जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। लेकिन इसे केवल 2 दिनों तक लगाने से आपके मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक होंगे। पहली बार जैसे ही आप लगाएंगे दोस्तों आपको इसके असर मिलने शुरू होंगे और 2 दिनों में ही आपके मुंह के छाले और जलन को पूरी तरह से ठीक करेगा। आपको इसे कैसे तैयार करना है आइए देखते हैं। इस उपाय के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है ये मुलट्ठी पाउडर। दोस्तों मुंह के छाले चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे हार्मोनल संतुलन बिगड़ने से, पेट की खराबी या ज्यादा कब्ज रहने से, ज्यादा तली भुनी और गर्म चीजें खाने से दोस्तों अगर आपके मुंह पर छाले हैं तो मुलट्ठी पाउडर से पूरी तरह से ठीक करेगा। मुलट्ठी पाउडर दोस्तों आपको किसी भी पंसारी या किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। आप दुकान से मुलट्ठी पाउडर खरीद सकते हैं या फिर इस तरह से जो हमने मुलट्ठी ली है इसे हम खरीद लाएंगे और इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करेंगे और ये मुलट्ठी पाउडर हमें इस तरह से मिल जाएगा। आपको दोस्तों एक बार के इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा मुलट्ठी पाउडर एक खाली बाउल में डाल लेना है। हम यहाँ पर ये चम्मच से बिल्कुल जरा सा मुलट्ठी पाउडर लेंगे ताकि एक बार के लिए आसानी से हमारे छालों पर लग जाए, और इसे डाल लेने के बाद अगली चीज जो आपको यहाँ पर मिलानी है वो है ये हनी यानी कि शहद। यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी शहद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो पूरी तरह से नेचुरल हो, किसी भी तरह के केमिकल उसमें ना मिले हों। अगर दोस्तों आप बार बार मुंह पर होने वाले छालों से परेशान रहते हैं तो शहद आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर शहद इसमें कितना मिलाना है आप बिल्कुल उतना सा शहद इसमें डालिए जिससे मुलट्ठी को इसमें मिलाने से एक लेप तैयार हो जाए। पहले मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शहद मिलाऊंगा और इसे मिक्स करूंगा। आप दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि लेप तैयार नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा और शहद मिलाना पड़ेगा, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद और भी डाल सकते हैं, और डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और कुछ इस तरह से इसका एक लेप तैयार करना है। इस लेप की मदद से दोस्तों ये आपके मुंह के छाले पर लगने पर फिसलेगा भी नहीं और वहां पर लगा रहेगा और जल्दी असर दिखाएगा। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसे कैसे और कितनी बार इस्तेमाल करना है। ज्यादातर दोस्तों मुंह के छाले ज्यादा गर्म खाना खाने से या पेट खराब होने से होते हैं। आप दोस्तों गर्म खाना खाने से बचिए, और अगर आपका पेट ज्यादातर खराब रहता है, कब्ज रहती है, तो सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिए। इससे दोस्तों आपका पेट साफ होने में बहुत मदद मिलेगी। और इस उपाय का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आप इसे मुंह के छालों पर या जहां पर आपको मुंह पर जलन होती है वहां पर इसे उंगली से इस लेप को लगाइए। आप ध्यान रखिए कि जो आपका मुंह का छाला है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। लगाने से दोस्तों आपके मुंह में लार बनना शुरू होगी, तो इसलिए आप अपने मुंह को खोल कर रखिए ताकि लार आपके मुंह से निकलती रहे और ये लेप अपनी जगह पर अच्छे से लगा रहे। पहली बार आप इसे जैसे ही लगाएंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके मुंह पर ठंडक पहुंचाने लगेगा, आपकी जलन कम होगी और छालों में चुभन होना बंद हो जाएगी। इस लेप को आपको 2 से 3 मिनट तक अपने छालों पर लगा के रखना है और फिर ताजे पानी से कुल्ला करके अपने मुंह को साफ कर लीजिए। दिन में आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार कर सकते हैं और 2 दिन में ही आपके मुंह के छाले ऐसे ठीक होंगे जैसे कभी वहां थे ही नहीं, और आपको बार बार मुंह पर होने वाले छालों से छुटकारा मिलेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।